हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखिए है 19 अक्टूबर और बारिश इतनी तेज हुई है कि काफ़ी सब गीला गीला पड़ा है यहाँ पर। और मैं फैलाने आई थी अपने कपड़े, तो यहाँ पर कपड़े सुखाने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि देखिए हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पर छत पर कि कपड़े सब उड़ रहे हैं। और बादल तो वैसे ही घिरे हुए हैं और पानी भर गया है, पार्क में भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो आप बादल देख सकते हैं, देखिए चारों तरफ से कैसे भरा हुआ है। और काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है और थोड़ा ठंडक भी बढ़ गई है और ठंड भी हो रही है। और युवराज अभी थोड़ा सा आराम मिला है उनके तबीयत में, तो अभी छत पर आए थे तो मैंने कहा बेटा नीचे जाओ, तो नीचे चले गए अपनी फुल शर्ट पहन के, हाफ ही शर्ट पहन के आ गए। और पेड़ पौधे को जानते हैं, पानी मिलते ही सब वो अपने आप से हरे हरे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देखने लगते हैं। और ये देखिए छत मेरी चारों तरफ से हरियाली दिख रही है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है छत पर। लेकिन अभी ठंडा हो रहा है थोड़ा सा और मौसम भी चेंज हो रहा है, अक्टूबर तो चल ही रहा है लेकिन बारिश ऐसे हो रही है जैसे बरसात लगी हो और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको बादल, देखिए तो ये देखिए चारों तरफ से बादल कैसे घिरे हुए हैं। और ये देखिए जो चिमनी लगी हुई है मेरे यहाँ पावर हाउस वाली, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए इसको कैसे चिमनी को घेर रखा है बादलों ने, ये देखिए। और मुझे लग नहीं रहा कि आज मौसम खुलेगा, लेकिन मैं नीचे बालकनी में सारे कपड़े भरे हुए थे तो मैंने फिर ऊपर ही छत पर ही फैला दिए। और हवा तो काफ़ी तेज चली रही है, देखते सूख पाते हैं कि नहीं, अगर बारिश होगी तो फिर उठा लेंगे। और जो ना मेरा मनी प्लांट था वो मैंने छत पे रख लिया था, तो देखिए अभी अभी कितना खिल रहा है और बहुत ही अच्छा प्यारा सुंदर लग रहा है। और ये मेरा गुलाब लगा हुआ है, अभी इसमें पत्ती नहीं आई है। और अमरूद का पेड़ पौधा भी सही से चल रहा है। अभी देखिए इसको तो हटाना ही पड़ेगा बाल्टी से, क्योंकि इसको टंकी में लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको तो बाहर लगवा दूँगी। बाहर क्या है कि गाय वाय खा लेती है ना, इसलिए परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स अब मेरा खाना हो गया शाम का और मैंने रोटियां सेक दी है। और अभी मेरे बर्तन रह गए हैं जो सिंक में रखे हुए हैं, और रोटी मैंने पहले सेक ली। अब मेरी आरती, मैं आरती करने जा रही हूँ तो बर्तन बाद में धुलूंगी। और युवराज खा रहे हैं खाना, तो आज युवराज को थोड़ा सा हल्का सा आराम मिला है। और मैं जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मैंने भोग में बूंदी मंगाई थी। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं भोग लगा लेती हूँ। ये मैंने आज मंगलवार है तो बाबा जी के लिए बूंदी मंगाई थी, और मैं भोग लगा लेती हूँ यहाँ पर और कर लेती हूँ पूजा। आइए पूजा कर लेती हूँ। तो युवराज खा रहा है, इसको मैंने आधी रोटी दी थी, बोला मम्मा खाएंगे नहीं, उसका मन नहीं था बिल्कुल भी। और थोड़ा सा भी उसको बहुत थोड़ा आराम मिला है, फीवर में फिर भी आ जा रहा है, तो मैंने इसके लिए पपीता और सेब मंगाए थे फ्रूट, तो मैंने उसको वही एप्पल दिया है। और वो आधी रोटी लेके बैठा है, वो भी बोल रहा है कि मम्मा मैं आम के अचार से खाऊंगा, और वो दाल सब्जी कुछ भी नहीं लिए। उसका जिस जवान का टेस्ट तो खराब ही फीवर की वजह से, तो फिर मैंने उसको आधी रोटी दे दी और वो अचार से लेके खा रहा है। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और मैंने आरती कर ली। अब मैं चलिए किचन के काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर आरती कर ली है मैंने और भोग लगा दिया है, तो अभी मैं भोग थोड़ी देर में उठाती हूँ, तुरंत तो नहीं उठाती हूँ। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं धो लेती हूँ अब बर्तन अपने, और मुझे खाना खाना नहीं था और इन लोग को मैंने खिला दिया है। और यहाँ मैं धो लेती हूँ बर्तन, और फिर अभी यही शाम का मेरा रूटीन रहता है। तो अभी बज रहे हैं 7, मेरे यहाँ वैसे भी खाना जल्दी हो जाता है शाम का, और सोते नहीं हम लोग, सोएंगे तो अभी काफी देर बाद। तो अभी दूध रह गया बाकी, तो मैं सबको दूध गर्म करके दे दूंगी। और युवराज तो देखो अभी दवा भी खिलानी है उसको, तो फीवर में अभी थोड़ा बहुत आराम मिला है, अभी ज्यादा नहीं मिला है। और मैं ये काम अपने बर्तन फिनिश करके फिर मैं दूध गर्म करना रह गया मेरा बाकी, और भी मैं चाय की भगोनी में उठानी है। तो फ्रेंड्स
तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, और मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।